आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और सुपर हेल्दी इडली की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है और स्वाद जो आपको बहुत पसंद आए। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। हेल्दी मूंग दाल और सूजी की इडली बनाने के लिए एक बर्तन में हम एक कप मूंग की दाल ले लेंगे। बिना छिलके वाली मूंग की दाल ले, इसे हम एक घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। आप चाहिए तो इसे ज़्यादा देर के लिए भी भिगो सकते हैं। वैसे मूंग की जो दाल है ना, वो बहुत जल्दी फूल जाती है, और अगर आपको जल्दबाजी है तो गर्म पानी में भिगो दे, उससे ही आधे घंटा में परफेक्ट फूल जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक घंटे रखा था। एक घंटे बाद यहाँ पे आप देखिए दाल जो है वो अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इस दाल का पानी निकाल लेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। दाल को ब्लेंड करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पानी जो है ना वो 2 से 3 चम्मच ही डालें, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालें। ये दाल खुद ही पानी अब्जॉर्ब करके रखता है, तो जब आप इसे ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये 3 चम्मच पानी डाला है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे मैंने ब्लेंड कर लिया और ये देखिए दाल की जो थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाए। तो इस दाल के पेस्ट को हम अलग रख देंगे और एक बोल में हम 1/3 कप सूजी या रवा ले लेंगे। इसके साथ हम 1/4 कप दही डाल देंगे। तो ध्यान रहे, 1 कप दाल के लिए 1/3 कप सूजी और 1/4 कप दही। सूजी और दही को अच्छे से मिला दें और इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 1/4 कप के करीब पानी डालें। पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दें ताकि सूजी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करे, और उसके बाद ढक के हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी, दही और पानी को एब्जॉर्ब करके अच्छे से फूल जाए। सूजी अच्छे से फूला रहेगा, दाल अच्छे से फर्मेंट हुआ रहेगा, तो इडली आपकी उतनी ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगी। तो यहाँ पे सूजी जो है वो फूल गया है, तो अब हम ये ब्लेंड किया हुआ दाल इसमें डाल देंगे। और दाल डालने के बाद ना हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। तो हेल्दी बनाने के लिए हम यहाँ पे बहुत सारी सब्जी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी हरी मिर्च डाली है, हरी मिर्च इसमें ऑप्शनल है। हरा प्याज डाल दें, नॉर्मल प्याज डाल दें, बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन्स डाल दें, और इसके बाद घिसा हुआ गाजर डाल दें। अगर इसमें से कोई सब्जी आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर अपने पसंद की सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें एक तड़का लगाएंगे, उससे ये इडली जो है वो और भी टेस्टी लगेगा। तो तड़का पैन में हम 1 चम्मच तेल गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच राई, 1/4 छोटा चम्मच हींग, और इसके साथ करी पत्ता। मैं यहाँ पे करी पत्ता थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहिए तो कम करें या फिर स्किप करें। करी पत्ता को ब्राउन होने तक आप इसमें पकने दें। जैसे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, हम गैस को बंद करेंगे और इसके बाद इस तड़के को इस बैटर में डाल देंगे। तड़का डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक का इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया है, तो स्वाद के अनुसार या फिर 1 छोटा चम्मच नमक डाल दें। और इसके बाद हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे। आप इसकी जगह बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा 1/4 छोटा चम्मच ही डालें। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं, ताकि इनो जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे डाल देंगे इडली मोल्ड में। तो इडली मोल्ड को ना आप घी या तेल से ग्रीस कर लें यहाँ पर, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये बैटर। तो बैटर जो है ना वो आधा ही भरे, क्योंकि इडली जो है वो सोडा डालने की वजह से फूलती है। तो अगर आप पूरा इसे भर देंगे ना तो इडली जो है वो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इतने बैटर में मैंने टोटल 12 इडली बनाई है। तो अब हम चलते हैं इसे स्टीम करने के प्रोसेस में। तो इडली पॉट यानी ये जो स्टीमर होता है, उसमें मैंने पहले से पानी गर्म होने के लिए रखा था। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, ये इडली का स्टैंड इसमें रख दे सावधानी से, और उसके बाद 15 मिनट आप इसे मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने दें। ध्यान रहे कि पानी इतना रहे ताकि वो नीचे से सूखे नहीं। 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और इडली जो है वो फूल गई है। नाइफ से या फिर टूथपिक से आप इसे चेक कर ले, अगर ये पूरा सूखा निकल रहा है मतलब इडली हमारी अच्छे से पक गई है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद इडली ट्रे को हम इस स्टीमर से निकाल लेंगे। जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए आप ऐसे स्पून का इस्तेमाल करें, उससे इडली जो है वो शेप में निकलती है। तो ये हमारी इडली जो है वो बन के तैयार है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, अच्छे से फूला हुआ है। तो इसी तरीके से हम सारी इडली इसमें से निकाल लेंगे। तो मूंग दाल प्लस सूजी प्लस बहुत सारी सब्जियों से हमने ये हेल्दी इडली बनाया। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। तब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए आप इसे नारियल की चटनी और गर्मा गर्म सांभर सर्व करें, उसके साथ ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन में जाता है। लेकिन आप चाहिए तो नॉर्मल एक चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही हेल्दी सुपर टेस्टी इडली जो है वो बन के तैयार है, जिसमें हमने मूंग दाल इस्तेमाल किया है, बहुत सारी सब्जियाँ, और बनाना तो बस 15 से 20 मिनट का काम है। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।